और अमित शाह के ग्रेटर नोएडा दौरे के दौरान बीजेपी सांसद भोला सिंह भी यहां मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता ने एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाने का मन बना लिया है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है ये सुनवाएंगे आपको। जनतंत्र टीवी संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। सांसद भोला सिंह जी हमारे साथ हैं। आपके अगर क्षेत्र की बात करें तो पहले फेज में ही मतदान होना है, क्या लग रहा है आपको, माहौल है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बुलंदशहर जनपद में 7 विधानसभाओं पर विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और आने वाले समय में भी 10 की 10 विधानसभा, मेरे ज़िले में 5 मेरी लोकसभा में हैं और 7 पूरे ज़िले में हैं। तो जनपद की 7 और मेरी लोकसभा की 5 विधानसभा बहुमत के साथ में हम जीतेंगे। जिस तरीके से 2014, 2017 और 2019 में भारी बहुमत से हमने विजय प्राप्त की, उसी तरीके से हमारे 7 के 7 विधायक जीत के भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाने में अपना सहयोग कर देंगे। जिस तरीके से गृह मंत्री लगातार घर घर अभियान कर रहे हैं, लोगों में बता रहे हैं कि बीजेपी ने किस तरीके से काम किया है, डबल इंजन सरकार की कितना फायदा है अगर वो आती है, समाजवादी पार्टी ये कह रही है बीजेपी बहुत डरी हुई है और यही वजह है कि गृह मंत्री घर घर जा रहे हैं। देखिए, ये हमारी पार्टी की अच्छी बात है कि हमारे इतने वरिष्ठ नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे वो डोर टू डोर जनसंपर्क करके हमारे मुख्यमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे सांसद, हमारे मंत्री जनता से वोट मांगने के लिए जा रहे हैं और वोट मांगने के लिए हम जा रहे हैं और वोट मांगेंगे तो जनता हमें वोट देगी। ये समाजवादी पार्टी के लोगों का अहंकार है, उनको लगता है कि जनता उनको बिना मांगे वोट दे देगी। शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुमित के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.